आज हम सामान्य अध्ययन की सीरीज में हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, एक ही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई थी, पर जो पाकिस्तान में जिसकी लोकेशन है। अब देखते हैं भाई ये सभ्यता पर क्या क्या चीजें। पहली चीज तो शिलालेख, पहला ऑप्शन। सो शिलालेख तो कभी मिला नहीं है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में कोई भी। नंबर टू बी आता है, टेराकोटा की मुद्राओं पर अंकित लेख। टेराकोटा की मुद्राएं तो मिली है पर जो भी कुछ उन पर लिखा है वो अभी तक पता नहीं है क्या लिखा है, तो अभी उनसे तो कुछ स्पष्ट होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन है पुरातत्विक खुदाइयां। हाँ पुरातत्विक खुदाइयां, ये महत्वपूर्ण, यही ऑप्शन है इसका सी। वेद है नहीं क्योंकि ये बाद की चीज है, तो इसका ऑप्शन है सी, पुरातत्विक खुदाइयां, इनसे ही पता चलता है हड़प्पा के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी जो शुरुआत हुई थी, उसकी जो हमने पता लगाया था वो 1921 में हड़प्पा में, इस हड़प्पा नामक स्थान पर जो खुदाई थी उससे पता चला था। तो बहुत से स्थल पाकिस्तान इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, और भी है चौदाड़ो है, और बहुत से स्थान भारत में भी है। जैसे तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पहला हड़प्पा, दूसरा बी है मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल। हाँ ये है लोथल, है ये गुजरात के अंदर है, तो गुजरात में है वो भी भारत, तो गुजरात का मतलब ये है अहमदाबाद शहर, शहर के पास जो है भोगवा नदी है उसके किनारे पे है लोथल, ये गुजरात में है। और ये इसमें क्या मिला था, डॉकयार्ड मिला था, डॉकयार्ड मिला था, और इस स्थान पर युगम समाधियां मिली थी तांबे के, जो है कुत्ता और वो पक्षी की मूर्ति मिली थी, तराजू मिला था, बहुत सारी चीजें मिली थी। खैर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता संबंधित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों एक ही बात है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से। देखिए वैज्ञानिकों ने या इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को दो भागों में बांटा, पहला भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। फिर भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन पढ़ने में पढ़ नहीं पाए, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो इस तरह से तीन उसमें बांटा गया है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इसके अंतर्गत आती है, ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है, इसके अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित जोड़ा में मेल सही नहीं है। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं जिसमें जोड़ा दिया होता है और कोई भी गलत हो सकता है, तो यहां देखिए इसमें कोई एक जोड़ा है जो गलत है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जहां खुदाइयां हुई हैं, और वो स्थान है कहां पे, ये स्थान पड़ता है तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है एक स्थान है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ, ये मेरठ जिले में है, और यहां पर रोटी बेलने की चौकी और बर्तन कटोरे, गिलहरी मोर और इनके चित्र बने बर्तन मिले। लोथल नामक जो स्थान है ये आपका गुजरात में है, अहमदाबाद में। इसके बारे में बताया था, इसमें युगम समाधियां, डॉकयार्ड, बहुत बड़ा नगर पत्तन और तराजू, बहुत सारी चीजें यहां मिली थी। कालीबंगा, कालीबंगा ये गलत दिया हुआ, यही इसका उत्तर है, ये मेल सही नहीं है। कालीबंगा जो है वो है राजस्थान में, ये घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा में इसका मतलब है काली चूड़ी, काली चूड़िया मिली थी, और इसके अलावा यहां पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे, जूते खेतों के साक्ष।
चौथी जगह है रोपड़, इसका ये उत्तर मिल गया, लेकिन डिस्कस चौथे को भी करते, रोपड़ ये पंजाब में है जो सतलज नदी के किनारे है। यहां पर जो विशेष बात थी वो ये थी कि कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने की, रोपड़ में कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है बोगाज कोई, ये एक स्थान है बोगाज कोई, महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्योंकि ऑप्शन पे देखते हैं, मध्य एशिया एवं भारत के मध्य व्यापारिक केंद्र था, ऑप्शन बी, यहां से प्राप्त अभिलेखों पर देवी देवताओं का उल्लेख है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहां हुई है, ये तो हुई नहीं, वेद तो भारत में, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन सही है बी, ये इसका उत्तर है। बोगाज कोई में 1400 ईसा पूर्व पुराना, लगभग 1400 ईसा पूर्व पुराना एक संधि पत्र मिला है यहां पर बोगाज कोई जगह, एशिया, एशिया में माइनर में है ये जगह, मध्य एशिया में है, एक संधि पत्र मिला है 1400 ईसा पूर्व का इस जगह पर बोगाज कोई में, जिसमें हमारे जो हिंदू देवी देवता है, मित्र है, वरुण है, उनका नाम का उल्लेख किया गया। मित्र कौन कौन से देवताओं का नाम है, वरुण, इंद्र, नासत्य, यानी इन देवताओं का उल्लेख है उस संधि पत्र पर। क्वेश्चन नंबर 6, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन था, यानी सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा अनाज प्रयोग किया था। ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा, तो इसका उत्तर है चावल। चावल के जो साक्ष्य हैं वो एक स्थान है कोलडेवा, कोलडेवा नामक स्थान पर इसके साक्ष्य मिले हैं। यहां पर चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, लगभग 7000 से 6000 बीसी तक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोडुके, यानी पोडुके के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक किताब है, पहली शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में एक किताब लिखी थी किसी ने, अज्ञात है उस लेखक का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया, तो ये बुक है एक द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसने भारत और रोम, इस किताब के अंदर भारत और रोम के मध्य व्यापारिक संबंधों को बताया गया है, संबंधों को बताया गया और भी चीजों के बारे में बताया गया, तो इस किताब में एक बंदरगाह का उल्लेख है पोडुके के नाम से, तो देखते हैं कौन सा बंदरगाह है, अर्कामेडु, ताम्रलिप्ति, कोरके, बारवे रिकम, तो इसका ऑप्शन है अर्कामेडु, इसका आंसर ये सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ताम्रास्म, ताम्रास्म काल में, यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस प्रकार दफनाते थे, यानी महाराष्ट्र में लोग क्या करते थे उस समय, फर्श के नीचे जो व्यक्ति मर जाता था उसको वहां दफना देते थे, लेकिन उसे कैसे दफनाते थे, यानी उसकी दिशा क्या होती थी बॉडी की, वो चीज है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, यानी उत्तर दक्षिण, या दक्षिण उत्तर, या पूर्व पश्चिम, या पश्चिम पूर्व, किस तरह से उसको, किधर सिर करते थे, किधर पैर करते थे, तो इसका सही उत्तर है नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ उसको ऐसे करके लेटा के एक बर्तन के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर रख करके दफना देते, साथ में और भी तांबे की चीजें यूज की वो रख देते थे। भारत में किस स्थान से लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कौशाम्बी, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, तो इसका सही उत्तर है अतरंजी खेड़ा, इस स्थान से लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये प्रश्न पहले भी आ गया है, इसका उत्तर है लोथल।
लोथल गुजरात के अंदर स्थित है, अहमदाबाद के पास और गंगा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कुआ के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर कालीबंगा, ऑप्शन ए बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी रोपड़। तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में, उसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो पर खुदाई हुई और यहां पर बहुत सी चीजें मिली। यहां पर बिल्कुल बहुत ही विश्व का सिस्टमेटिक वे में, ग्रिड सिस्टम में सड़कें थी, नगर बसा हुआ था, विशाल स्नानागार मिला। क्या मिला? स्नानागार, अन्नागार। तांबे की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मिली। और पशुपतनाथ, पशुपतनाथ की भी मूर्ति मिली और कुएं के भी साक्ष्य यहां पे मिले, बहुत चीजें मिली। क्वेश्चन नंबर 12, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया था? सबसे पहले भारत में ही कपास की खेती का आरंभ किया था और सबसे पहले इसके प्रमाण मिले हैं भारत में। तो इसके ऑप्शन मिस्र, ये इसका जो उत्तर होगा वो मिस्र, मेसोपोटामिया कहते हैं इराक को, जो वर्तमान में इराक है इसी को मेसोपोटामिया कहते हैं, मध्य अमेरिका, भारत इसका उत्तर है। इसके साक्ष्य जो हमारे कपास की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिलते हैं? शैलकृत यानी पत्थरों पर कलाकारी की गई, कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी, आमरी। तो इसका उत्तर है धोलावीरा, धोलावीरा नामक स्थान पर जो है सबसे पहले इसके प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस स्थल से युग्म समाधियों के प्रमाण मिलते हैं? युग्म माने जॉइंट समाधियां, दो लोगों की समाधि मिली है, लोथल, कुंतासी, धोलावीरा, कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन है लोथल, ये सही है इसका।